हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मैं अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा है दोस्तों आप सब लोग भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि समाज में कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग भी रहते हैं, जो किसी भी व्यक्ति पर जादू टोना का प्रयोग कर देते हैं और जो मासूम और निर्दोष व्यक्ति है वो अकारण ही कष्ट भोगता है। उसे तरह तरह की व्याधि जैसे भय, बीमारी, जड़ता आदि घेर लेती है, या फिर राह चलते किसी भी व्यक्ति पर दुष्टात्मा, भूत, प्रेत आदि सवार हो जाते हैं और तरह तरह से कृत्य करके उस व्यक्ति को, जो जादू टोने मंत्र तंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उस व्यक्ति को तंग करते रहते हैं। इस प्रकार के कष्टों के निवारण हेतु आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही अत्यंत ही फलदायी मंत्र बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं बताना शुरू करूँ, प्लीज़ यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटी को दबा दें और घंटी को दबाने के उपरांत जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी आप दबा दें, जिससे मेरी इस प्रकार की आने वाली खास गुप्त ज्ञान की संबंधी जानकारी वाली वीडियो आप तक निर्बाध पहुंचती रहे। इस तरह की खास वीडियो के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आपको पहले मंत्र बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, मंत्र है, जय काली कलकत्ते वाली, दोनों हाथ से बजाए ताली, नयन फोड़ आँख खावे, नाक फोड़ नखोटा खावे, गला को जीवा को खावे, तभी नाम सच्चा कहावे, भगवान शंकर की आन, भूत प्रेत मरी मसान, भगाए डर छुड़ाए जान, गुरु गोरखनाथ की दुहाई, शब्द सांचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। पहले दोस्तों, ये जो शावर मंत्र के मेरे चैनल पे पिछले जो और वीडियो मैंने बनाए हुए हैं वहाँ पर जाइए, आपको वहाँ पे मैंने विस्तार से बताया है कि साबर मंत्रों को सिद्ध कैसे किया जाता है। तो पहले इस मंत्र को आप सिद्ध करेंगे तभी काम करेगा। ये मंत्र तो आप, इस तरह के मंत्र तो बाजार में हजारों मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसको चैतन्य करना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है, फिर उसको उपयोग में लानी पड़ती है। तो मैंने तरीके बताए हुए हैं कैसे उसको जागृत करनी है। जागृत करने के बाद यदि आपने जागृत कर ली मंत्र को, उसके बाद आपको यूज करना है। तो पहले इस मंत्र को शुभ मुहूर्त में सिद्ध कर लेते हैं, फिर इसका उपयोग करना है। उपयोग कैसे करना है ये समझ लीजिए। आपको इसको झाड़ा करनी है, जो भी पीड़ित व्यक्ति, जो भूत प्रेत जादू टोने से पीड़ित व्यक्ति आपके पास आता है, किसी दुष्टात्मा या भूत प्रेत किसी ऊपर सवार हो गया हो, किसी के शरीर में प्रवेश कर चुका हो भूत प्रेत या कोई भी दुष्टात्मा, उसको आपको उसके शरीर से बाहर निकालनी है। तो इस कृत्य को, इस प्रयोग को करके आप उसको शरीर से बाहर, जो भी भूत प्रेत सवार है शरीर के अंदर, उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए प्रयोग कैसे करना है ये समझ लीजिए। या तो आप नीम की डालियां ले लें, नीम की डाली कोई भी, या तो फिर भभूत जिसको राख बोलते हैं, उपले के जो गोबर के जो उपले होते हैं उसको जलाकर जो राख बनाया जाता है, भस्म बोल सकते हैं, उसको अपने पास रखें और एक एक के चुटकी अपने हाथ में ले लें। लेने के बाद में मंत्र का जाप करें और एक बार जाप करने के बाद फिर सामने वाले जो भी व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है उस पीड़ित व्यक्ति को एक बार सर से लेकर पांव तक फूकें। इस तरीके से यदि आप 7 बार इसी मंत्र से आप फूक मारते हैं, चाहे भभूत से मारें या तो फिर मंत्र पढ़कर उसका नीम की डाली से झाड़ा करें, नीम के पत्तों से झाड़ा करें, तो वो जो भूत प्रेत जो भी दुष्टात्मा है वो शरीर से बाहर पीड़ित व्यक्ति के निकल जाएगा और सामने वाला व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ और तरोताजा महसूस करेगा। तो ये है भूत प्रेत और जादू टोना निवारक मंत्र। ये जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जन कल्याण की भावना से इसका जानकारी रखकर सिद्ध करके, ज्ञान प्राप्त करके समाज के कल्याण का कार्य कर सके और पीड़ित लोगों की मदद कर सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।